वेलकम टू इग्निट। घर गृहस्थी से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे दिया गया रेड बटन दबाकर, ये फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी। वैसे तो इसे कभी भी बना के खाया जा सकता है, मगर व्रत त्यौहार में इसका विशेष महत्व है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कप साबूदाना हम धो लेते हैं। अब इसे एक घंटे के लिए डिप कर देंगे। इसे डिप किए हुए एक घंटा हो गया है, अब हम इसका पानी निकाल देंगे और इसे एक घंटे के लिए ढककर रख देंगे, जिससे कि ये और भी फूल जाएगा। आइए तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए एक कप भिगोया हुआ साबूदाना, आधा कप मूँगफली, 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्च, 4 से 5 कड़ी पत्ता, नमक, जीरा व देसी घी। एक पैन में 3 से 4 चम्मच देसी घी गरम कर लेंगे। गरम घी में हम 1/4 चम्मच जीरा भून लेंगे। जीरा भुन गया है, अब हम इसमें 4 से 5 कड़ी पत्ते डाल लेंगे। स्वादानुसार हरी मिर्च काट के डाल लें, मैं यहाँ पर 1 हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ। अब हम इसमें 1/2 कप कच्ची मूंगफली डाल लेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। अगर आप कच्ची मूंगफली की जगह रोस्टेड मूंगफली यूज कर रहे हो तो आप इसे 1 मिनट के लिए ही भूनें। मूंगफली अच्छे से भुन गई है, अब हम इसमें साबूदाना डाल लेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च थोड़ी सी ऊपर से भी डाल लेंगे। साबूदाना पैन से थोड़ा चिपकता है, इसलिए हम इसे कम आंच पर हिलाते हुए पकाएंगे। आप इसमें स्वादानुसार नमक डाल लें। अगर आप खिचड़ी व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सेंधा नमक डालें। मैंने इसमें 1/3 चम्मच नमक डाला है। साबूदाना डालने के बाद हमने खिचड़ी को 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है, अब ये रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।